बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, माफियाओं के खिलाफ जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने अभियान चलाया है वो तारीफ़े काबिल है। वीडी शर्मा ने कहा, बीजेपी हर साल प्रशिक्षण वर्ग चलाती है, इससे कार्यकर्ताओं में जिम्मेदारी का भाव जागृत होता है। उन्होंने कहा, लव जिहाद के खिलाफ आवश्यक कानून सरकार ने बनाए हैं। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, बीजेपी पूरे देश के अंदर हर साल प्रशिक्षण वर्ग चलाती है, ये 10 विषयों को लेकर प्रशिक्षण वर्ग है। पार्टी ने अभी तक क्या किया, देश के प्रति पार्टी की क्या जिम्मेदारी है, सरकार की योजनाएं जैसे मुद्दे शामिल हैं। हर प्रशिक्षण वर्ग में करीब 100 चयनित कार्यकर्ता शामिल हैं। कार्यकर्ता के नाते सभी वर्गों का प्रशिक्षण होगा, छोटा नेता हो या बड़ा नेता, सभी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी लाइव ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ चुनाव ही नहीं, कोई आपदा आती है उसमें भी बीजेपी कार्यकर्ता काम करते हैं। बीजेपी एक तंत्र है, यह नहीं देखा जाता कौन सा चुनाव है, सभी चुनाव के लिए पार्टी तैयार रहती है। उन्होंने कहा, माफियाओं के खिलाफ जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने अभियान चलाया है वो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण के लिए हर वर्ष प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती है। आज से भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों के वर्ग प्रारंभ हो रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 1059 मंडल हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन सभी मंडलों के 10 विषयों पर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण होंगे। मंडल के अंदर जो अपेक्षित कार्यकर्ता हैं वो उसके अंदर रहेंगे। उसमें खास तौर पर ऐसे विषय जो कार्यकर्ताओं के विकास के लिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, विकास क्या हुआ है, कार्य पद्धति हमारी क्या है, उस कार्य पद्धति को समझने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन के आधार पर जो काम देश के लिए किया है, इसलिए हम कहते हैं कि हम राजनीति में क्यों हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करना यानी देश के लिए हमारी भूमिका क्या है, समाज के लिए हमारी भूमिका क्या है, ऐसे कई मुद्दों पर इन विषयों में चर्चा होगी। केंद्र की सरकार से लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार ने जो गरीबों के जन कल्याण की योजनाओं को भी चर्चा करने का काम इस अभ्यास वर्ग के अंदर, विभिन्न प्रकार के 10 हमारे जो विषय उनके आधार पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व का विकास, कि मैं एक कार्यकर्ता हूं तो एक अच्छा कार्यकर्ता बनने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, ऐसे अलग अलग प्रकार से ये प्रशिक्षण के वर्ग हैं। और इसकी व्यापक तैयारी व्यवस्था की दृष्टि से, कार्यक्रमों की दृष्टि से हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक मंडल स्तर पर की, और बूथ स्तर के कार्यकर्ता इन मंडलों के अंदर भी अपनी सहभागिता करेंगे। और लगभग मैं ऐसा मानता हूं कि मिनिमम 100 के करीब कार्यकर्ता, चयनित कार्यकर्ता हर प्रशिक्षण वर्ग के अंदर रहेंगे। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है, और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। तो एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।